दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए नागालैंड इंजीनियर्स इलेक्ट्रॉनिक और ठीक उसका बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। और दोस्तों अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जब भी मेरा वीडियो देखना तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपको बताएंगे माइक्रोमैक्स इन्वर्टर रिपेयरिंग के बारे में, ये किस तरह रिपेयर करना है इसके फुली डिटेल्स बताएंगे। दोस्तों देख रहे हैं सर्किट, ये इसकी सर्किट है। इसमें जिस तरह सेम आपका सूखा माइक्रोटेकर मिलता है उसी तरह है ये इसमें। और उसमें जो देख रहे हैं आप, ये जो ट्रांसफार्मर स्क्वायर वेव है और सर्किट भी स्क्वायर वेव है, ये साइन वेव नहीं है। तो इसमें कंट्रोलर इसका साथ में इनबिल्ट होता है, जो कि हम लोग सोलर से कनेक्ट करते हैं वो कंट्रोलर इसका साथ में इनबिल्ट होता है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं सर्किट, इसमें जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं ये सेंसिंग के लिए लगा हुआ है। ये जो देख रहे हैं रिले, ये आउटपुट का रिले है। और ये जो देख रहे हैं रिले, ये है आपका चार्जर का रिले। ये ख़राब हो जाएगी तो चार्जिंग नहीं होगी। उसके बाद में ये देख रहे हैं ट्रांसफार्मर, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है जो कि चार्जिंग के लिए है। उसके बाद में आप देख रहे हैं ये वाला जो है 705 रेगुलेटर आईसी है, इसी के थ्रू आईसी में 5 वोल्ट जाती है जो कि माइक्रो कंट्रोलर है। और उसमें देख रहे हैं ये दो, ये 12012 है। और ये जो देख रहे हैं इसमें नया है, ये सब सर्किट में नहीं होता, ये कि सोलर के लिए कंट्रोलर बनाया हुआ है। इसमें दो एसीआर लगाए हुए हैं, इससे आपकी चार्जिंग कंट्रोल करती है सब कुछ। इसकी जो चार्जिंग आती है वो 18 वोल्ट आती है, जो कि इसमें इसको रेगुलेट करके 12 वोल्ट देता है, और जिसको कि कॉन्स्टेंट में 12 वोल्ट देते रहता है बैटरी को चार्ज करने के लिए, कि बैटरी खराब ना हो। उसके बाद देख रहे हैं आप ये जो लगा हुआ है कंडेंसर, ये कंडेंसर फिल्टर के लिए लगा हुआ है। ये फिल्टर होता है जो कि इसमें जो नेगेटिव पॉजिटिव करते हैं उसको फिल्टर के लिए लगा हुआ है। और ये जो देख रहे हैं कंडेंसर जो लगा हुआ है, ये कैपेसिटर, ये होता है स्पाइक कंट्रोल के लिए। ये स्टार्टिंग में हम जैसे इन्वर्टर ऑन करते हैं उस पीरियड में हाई वोल्टेज बनता है झटके से, जो कि इसको वो दबा के रखता है वोल्टेज को हाई ना होने के लिए। और अचानक वोल्टेज हाई हो जाएगी तो मॉस्फेट जलने की चांस होगी, इसीलिए ये स्पाइक कंट्रोल बनाया जाता है, जो कि डायोड से और कैपेसिटर लगाया जाता है। उसके बाद में 220 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाया जाता है इसमें दोस्तों। तो उसके बाद में चलते हैं, ये देख रहे हैं आप ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर इसका चार्जिंग के लिए है। और उसके बाद में ये जो देख रहे हैं ये ट्रांजिस्टर, ये फैन के लिए है, ये फैन का कनेक्शन इसमें किया गया है फैन चलने के लिए। दोस्तों देख रहे हैं आप इसमें जो चार स्विच है किस लिए, इसके बारे में बात करें। दोस्तों देख रहे हैं ये इनपुट वोल्टेज सिलेक्शन के लिए है। इसमें जो देख रहे हैं एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड जो है कि इसमें 100 वोल्टेज से लेकर 300 वोल्टेज तक ये काम करेगी मेन चेंजिंग के लिए। उसके बाद देख रहे हैं नेरो मतलब हो गया ये यूपीएस में काम करेगा 180 से लेकर 260 वोल्टेज तक ये वाला स्विच काम करेगा। उसके बाद में देख रहे हैं चार्जिंग करेंट, ये चार्जिंग करेंट जो है स्टैंडर्ड में रखेंगे तो ये 9 एम्पियर में चार्ज करेगी कंपनी के हिसाब से, और इसमें हाई एम्पियर में रखेंगे तो ये 13 एम्पियर में बैटरी को चार्ज करेगी। ठीक है, ये हाई एम्पियर चार्जिंग के लिए है, ये आपका नॉर्मल चार्ज के लिए ये है। उसके बाद में जो देख रहे हैं आप बैटरी सिलेक्शन, ये बैटरी सिलेक्शन देख रहे हैं आप, ये ट्यूबलर चार्जिंग के लिए है। देख रहे हैं ट्यूबलर के लिए डाउन, ये दोनों स्विच डाउन रखेंगे तो ये ट्यूबलर में चार्ज करेगी। ठीक है, फ्लैट चार्ज करने के लिए दोनों अप करेंगे तो ये फ्लैट बैटरी चार्ज करेगी। उसके बाद देख रहे हैं SMF सील मेंटेनेंस फ्री बैटरी जब चार्ज करेंगे तो इसमें एक अप में रखना पड़ेगा, एक डाउन में रखना पड़ेगा जो दोस्तों। उसके बाद में देख रहे हैं आप एज्ड बैटरी दिया हुआ है, यानी कि नॉर्मल बैटरी कोई भी आप चार्ज कर रहे हैं उसके लिए आप इसमें डाउन और एक अप रखेंगे। तो दोस्तों ये स्विच से आप चार बैटरी सिलेक्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये देख रहे हैं आप, यह है सोलर का कनेक्शन, इसमें सोलर का कनेक्शन करेंगे जो कि 18 वोल्ट आता है, और उसके अंदर में जो कंट्रोलर है वो उसको वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 12 वोल्ट कॉन्स्टेंट में चार्ज करता है। एसी फ्यूज है इसमें, अब 8 एम्पीयर की फ्यूज लगाई हुई है। अगर ये ख़राब हो जाएगी तो मेन लाइन इसमें इनपुट नहीं होगा। उसके बाद देख रहे हैं आउटपुट का सॉकेट है, इसमें करंट आउटपुट होगा, और ये एसी का कोड है, इसमें मेन लाइन इनपुट के लिए है ये। उसके बाद में ये जो फैन है कूलिंग के लिए लगा हुआ है, इन्वर्टर को कूल करने के लिए होता है दोस्तों। उसके बाद में देखना एक स्विच है यहाँ पे, ये स्विच से आप क्या कर सकते हैं, अगर इसकी जो बजर है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है रात में अगर बैटरी डाउन हो जाती है उस पीरियड में बजर आवाज़ करने लगता है कंटिन्यूस, उससे इसके लिए इसको ऑफ करने के लिए है, मतलब लो बैटरी का इंडिकेशन करेगा लेकिन बजर नहीं बजेगा, इसके लिए आप यहाँ से कट कर सकते हैं। इसके लिए ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया गया है इसमें दोस्तों। और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो है बैटरी का कनेक्शन है, रेड और ब्लैक वायर। दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं रिपेयरिंग लेवल का वीडियो इसका बनाऊंगा माइक्रोमैक्स इन्वर्टर का। तो दोस्तों
आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और दोस्तों अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर सब्सक्राइब कर दीजिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।